वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। फोर्थ चैप्टर इज हीट एंड इट्स इफेक्ट। हीट मतलब हिंदी में होता है उष्मा, और इफेक्ट मतलब उसके प्रभाव। हीट एंड इट्स इफेक्ट मतलब उष्मा और उसके प्रभाव। हम इस चैप्टर में जानेंगे कि हीट क्या होती है। ओके, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हीट एंड इट्स इफेक्ट। व्हाट इज हीट? सो देर आर सो मैनी न्यू टर्मिनोलॉजी यू कैन अंडरस्टैंड। कुछ नए वर्ड्स आपके वोकेबुलरी में ऐड होंगे। साइंटिफिकली बात करें तो कुछ ऐसे शब्द आपको साइंस के पता चलेंगे जो आपको फिर आने वाले पूरे जीवन भर काम देंगे। सो माई डियर स्टूडेंट्स, आपने कभी देखा हो अगर आप गर्मी के दिनों में ज़्यादा धूप में खड़े हो गए, गर्मी के दिनों में धूप में खड़े रह सकते हैं क्या ज़्यादा देर? नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि गर्मी में हीट ज़्यादा है, मतलब जब सनलाइट है तो उसमें हीट ज़्यादा है। या फिर ठंड के दिनों में बाहर कहीं खड़े रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट में हीट नहीं है, मतलब कोल्ड ज़्यादा है। तो इन डेली लाइफ, इन डेली एक्टिविटीज़, इन डेली रूटीन वी आर फेसिंग सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ हीट। हाउ हीट ट्रेवल्स, यानी हीट कैसे काम करती है, कैसे नहीं करती है ना। सो अगर हीट को समझा जाए तो हीट जो वर्ड है वो क्या है? एक सेंसेशन है, एक कोल्डनेस और हॉटनेस का, है ना। ज़्यादा हीट है तो गर्म है, कम हीट है तो ठंडा है ना। इस दुनिया में दो जैसे ठंडे नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोल्ड इज़ नथिंग, कोल्ड कुछ नहीं, ओनली अब्सेंस ऑफ हीट इज़ कोल्ड। यानी हीट नहीं है तो ठंडा है, जहाँ गर्मी नहीं है, जहाँ टेम्परेचर नहीं है वहाँ ठंडा है। जैसे अंधेरे और उजाले में देखा जाए तो अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है, जहाँ उजाला नहीं है वहाँ अंधेरा है। उसी तरह जैसे मान लो कमरे में लाइट चल रही है, तो लाइट है इसलिए यहाँ रोशनी है ना, पर अंधेरे नाम की कोई चीज़ नहीं। ऐसा कोई बल्ब नहीं आता जिसको चला दो तो अंधेरा निकलने लग जाता है ना, ऐसा नहीं होता है। मतलब लाइट है तो वहाँ पर लाइट है, और अगर लाइट नहीं है तो वहाँ अंधेरा है। उसी तरह अगर हीट है ज़्यादा तो वहाँ पर हॉट है चीज़ें, गर्म है, और हीट नहीं है या कम है तो वहाँ कोल्ड है चीज़ें। सो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, एक ऊर्जा का एक प्रकार है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो ये जो एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है जिससे हमको हॉटनेस और कोल्डनेस की पता चलती है, यानी कोई चीज़ कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, इसका सेंसेशन देने का ये एनर्जी है हीट। हमारी लाइफ में और इस दुनिया में बहुत टाइप की एनर्जी वर्क कर रही है, एंड वी मस्ट नो दैट। हमको ये जानना चाहिए कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी ना तो कभी बनाई जा सकती है ना कभी खत्म की जा सकती है। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो हीट भी एक ऐसी चीज़ है जिसको खत्म नहीं किया जा सकता। किसी चीज़ को आप गर्म कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप? उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। कहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं? आपने नीचे गैस स्टोव जला रखा है तो वो हीट एनर्जी वहाँ ट्रांसफर हो रही है। पर किसी गर्म को आपने फ्रीजर में रख दिया तो ऐसा नहीं कि आपने उस हीट को ख़त्म कर दिया। उस फ्रीजर ने क्या किया, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं चीज़ें, तो उसने उस हीट को बाहर निकाल दिया, मतलब वहाँ से हीट को कम कर दिया तो चीज़ें ठंडी हो गई। तो इस तरीके से इस दुनिया में ऐसा समझा जाना चाहिए कि गर्म और ठंडे के बीच में सिर्फ एक चीज़ का आदान प्रदान होता है, वो है हीट का। जैसे मान लो मैं एक इमेजनरी लाइन बना रहा हूँ, यहाँ अगर ना ठंडा ना गर्म वाली स्थिति यहाँ पर अपनों को लगती है, क्योंकि एक अपन इंसान है, हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री है, वो देखेंगे अपन। पर एक यहाँ पर जीरो की लाइन घोषित करते हैं, अगर इस तरफ जाएंगे तो हीट अगर बढ़ेगी और इस तरफ जाएंगे तो हीट अगर कम होगी, तो इधर अगर जाएंगे तो इधर हॉटनेस की फीलिंग आएगी और इधर हीट अगर कम होगी तो इधर कोल्डनेस की फीलिंग आएगी। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि हीट का बढ़ना हॉटनेस है, गर्मी पैदा करता है, और हीट का कम होना ठंडक पैदा करता है। यानी ठंडे नाम की कोई चीज़ नहीं धरती पे, हीट का कम ज़्यादा होना ही गर्म और ठंडा पैदा करता है। सो हम सबसे पहले तो इस टर्म को समझे, हीट।
सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हीट, हॉटनेस और कोल्डनेस. तो हीट एक एनर्जी का टाइप है जिससे हॉटनेस और कोल्डनेस का हमें पता चलता है. वी फील द हीट बाय द टेम्परेचर इफेक्ट इट प्रोड्यूसेस. अब हम हीट को प्रोड्यूस कैसे करते हैं? कोई चीज एक जैसी गर्म होती है या कोई चीज एक जैसी ठंडी होती? नहीं, गर्म में भी अलग अलग टाइप की गर्म. समोसा खाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म समोसा भी रहता है, कम गर्म समोसा भी रहता है. चाय पीते हैं, गर्म चाय भी रहती है और कम गर्म चाय भी रहती. मतलब हीट में भी, यहाँ देखा जाए तो यहाँ ये जीरो से मैं इस तरफ चला, यहाँ हीट बढ़ रही है, इधर जा रहे हैं यहाँ हीट कम हो रही है, मतलब कोल्डनेस बढ़ रही. तो यहाँ पर थोड़ा कम हीट है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा हीट है, यहाँ ज़्यादा हीट है, ऐसे करके हीट बढ़ रही है. इधर आएंगे तो हीट कम होती जा रही, कम होती जा रही. तो इसलिए तो पानी थोड़ा सा, जब ठंड के दिनों में नहाते तो थोड़ा सा गुनगुना गर्म करते हैं ना, उसको थोड़ी सी हीट देते हैं. लेकिन पानी को उबालना हो तो 100 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है. तो टेम्परेचर इफेक्ट प्रोड्यूस करती है हीट. वी फील द हीट बाय द टेम्परेचर इफेक्ट इट प्रोड्यूसेस. यानी वो कितनी ज़्यादा हीट उसके अंदर है वो उतना टेम्परेचर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी. अब टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है? टेम्परेचर इफेक्ट हीट को मेजर करने का एक तरीका है. टेम्परेचर इफेक्ट क्या है? हीट को मेजर करने का एक तरीका है. जैसे अपन दो एग्जांपल से समझते हैं. सबसे पहले देखो, किसी चीज को उन्होंने हीट दिया, मान लो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, सो वी आर गिवन हीट टू दैट सब्सटेंस. उस सब्सटेंस को हमने हीट दिया, गिवन सब्सटेंस, तो क्या होगा? टेम्परेचर उसका राइज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा. ये मैंने एरो क्यों बनाया? टेम्परेचर इंक्रीज होने के लिए. किसी चीज को हीट प्रोवाइड की, हीट गिवन किया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो हॉट हो जाएगी, वो चीज गर्म हो जाएगी. उसी तरह अगर किसी चीज में से हीट को निकाल लिया, जैसे रेफ्रिजरेटर में डाल के हीट निकाल लेते हैं, तो हीट को टेकन आउट कर लिया, मतलब हीट को निकाल लिया, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा. टेम्परेचर कम होगा तो वो चीज कोल्ड कहलाएगी, मतलब वो चीज ठंडी हो जाएगी. तो हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है इसलिए वो गर्म हो जाती है, हीट कम करने से टेम्परेचर कम होता है तो वो चीज ठंडी हो जाती है. तो ठंडा और गर्म क्या है? ठंडा और गर्म कुछ नहीं है, हॉट एंड कोल्ड. व्हाट इज हॉट एंड कोल्ड? हॉट एंड कोल्ड इज ओनली प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ हीट, और वी कैन से इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर. अब आगे से हम हीट की बात कैसे करेंगे टेम्परेचर के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर बात हो गई हमारी कि वी फील द हीट बाय द टेम्परेचर इफेक्ट इट प्रोड्यूसेस. वो हीट जो है टेम्परेचर इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, उसको नापने का एक तरीका है. जैसे दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, वजन को किलोग्राम में नापते हैं, उसी तरह हीट की जो कम ज़्यादा की क्वांटिटी है उसको टेम्परेचर में मेजर करते हैं. ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हीट, हॉटनेस. कम टेम्परेचर कम हीट, कोल्डनेस, है ना. तो आगे से हम टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, इसको टेम्परेचर के रूप में मेजर करेंगे. नाउ अब इसको मेजर करने की अगर बात निकली गई तो हीट इज मेजर्ड इन जूल और कैलोरी. जैसे आप पानी, दूध, ऑयल वगैरह, है ना, मिल्क वाटर वगैरह, इनको किस तरह मेजर करते हैं? लीटर में. अगर कोई आपके पास ठोस चीज़ें हैं, आप शक्कर लेने गए, गुड़ लेने गए, चावल लेने गए, गेहूं लेने गए, वट एवर, सो इफ सॉलिड सब्सटेंस को कैसे, उसका मास कैसे मेजर करते हैं? उसका किलोग्राम में मेजर करते हैं, है ना. आप डिस्टेंस को देखते हैं कि यहाँ से कोटा कितना दूर है, दिल्ली कितना दूर है, मुंबई कितना दूर है, तो किलोमीटर में बात करते हैं, लंबाई के लिए किलोमीटर. उसी तरह हीट इज मेजर्ड इन जूल और कैलोरी. तो उस तरह हीट को मेजर करने के लिए टेम्परेचर को मेजर, हीट को मेजर करने के लिए जूल और कैलोरी. हीट एक एनर्जी का फॉर्म है और एनर्जी जो है जूल और कैलोरी, ये एक यूनिट है जिसमें जूल और कैलोरी में इसको मापा जाता है. ऐसा यूनिट क्या होती है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम है ऐसा यूनिट, जिसमें हर चीज का मेजरमेंट की यूनिट फिक्स कर रखी है. तो ऐसा यूनिट क्या है हीट की? जूल. इसको जे से डिनोट करते हैं. जैसे मैं किलोग्राम लिखता हूँ ना केजी, तो उसको केजी से डिनोट करते हैं, उसी तरह जूल को जे से डिनोट करेंगे. तो इसको जूल और किलोरी दोनों तरह, जैसे वजन को केजी में भी लिखते हैं, ग्राम में भी लिखते हैं, मिलीग्राम में भी लिखते हैं, है ना, टन में भी लिखते हैं, क्विंटल में भी लिखते हैं, तो उसी तरह इसको जूल में भी लिखेंगे, कैलोरी में भी लिख सकते हैं. इसमें क्या रिलेशन है? जैसे 1 किलो जूल, 1 किलो जूल जो है हमारा 1000 जूल के बराबर हो जाएगा. जैसे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, है ना, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम. उसी तरह 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1000 कैलोरी.
तो किलो जहां भी लगता है वहां 1000 आ जाता है। अब ये तो बात हो गई कि 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है और 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होता है, लेकिन इस जूल और कैलोरी के बीच में क्या रिलेशन है? तो हमको ये बता लेना चाहिए कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल, यानी 1 कैलोरी बड़ा होता है, जूल छोटा होता है, इसलिए 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल। 1 कैलोरी की वैल्यू कितनी है जूल में? 4.184 जूल। ओके, और अगर 1 जूल बराबर देखेंगे तो इसको अपन में ले जाना पड़ेगा, है ना? तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल। इस तरीके से ये हीट की मेजरमेंट है। जब भी कोई पूछे कि हीट की एसआई यूनिट क्या है, तो हीट की एसआई यूनिट क्या है? जूल। हीट को मेजर जूल और कैलोरी में करते हैं, और 1 कैलोरी इक्वल टू 4.184 जूल होता है। ओके, सो इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ वी मस्ट नो दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मैंने आपको बताया कि एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, नो वन कैन डिस्ट्रॉय एनर्जी इन दिस वर्ल्ड। वी ओनली एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में एनर्जी बदल सकती है। कैसे? जैसे वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है, अलग अलग एनर्जी एक तरीके नहीं रहती, बहुत टाइप की रहती। काइनेटिक एनर्जी रहती, मैकेनिकल एनर्जी रहती, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहती, हीट एनर्जी रहती, पोटेंशियल एनर्जी रहती, बहुत टाइप एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म है। सो वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड वाइस वर्सा, मीन्स हीट एनर्जी आल्सो कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी आल्सो कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। एक एग्जांपल से देखते हैं कि व्हेन यू रब योर हैंड्स, यानी जब अपन हाथ को ऐसे रब करते हैं, ठंड में ज़्यादा करते हैं, है ना, विंटर सीजन में ज़्यादा ऐसे क्यों करते हैं? बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं हम, यानी हमारे बॉडी पार्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, मसल्स का यूज़ कर रहे हैं, मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ हो रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी को हम ऐसे पाम को रब कर रहे हैं, हैंड्स रब कर रहे हैं, तो गर्मी पैदा हो रही है। तो मैकेनिकल एनर्जी से यहाँ पर क्या होता है, जब व्हेन वी रब आवर हैंड, तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, यानी ये मैंने मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ किया और हीट प्रोड्यूस हो गई। तो यहाँ पर जब हम हैंड्स को रब करते हैं, तो यानी अदर फॉर्म है मैकेनिकल एनर्जी, इसको किस में चेंज कर दिया? हीट एनर्जी में। सेम उसी टाइप बर्निंग ऑफ कोल, जब कोयला जलता है, घर में कोयला नहीं, जब फैक्ट्री वगैरह में बड़े स्तर पे एक कोयला रहता है जो खदानों से निकाला जाता है, तो बर्निंग ऑफ कोल इज आल्सो अ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। मीन्स यहाँ पर बर्निंग ऑफ कोल क्या है, ये केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी इसको हीट एनर्जी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। बर्निंग हमेशा केमिकल इफेक्ट होता है, तो बर्निंग ऑफ कोल क्या है, यहाँ पर केमिकली इस एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज किया जा रहा है, यानी बर्निंग ऑफ कोल क्या है, केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जब इसको बर्निंग किया जाता है, पहले के ज़माने में जब रेलवे के इंजन स्टीम इंजन थे, तो वहाँ पर कोल का यूज़ किया जाता था, है ना, ताकि इसकी केमिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में यूज़ किया जा सके और स्टीम प्रोड्यूस की जा सके, ताकि इंजन रन करते थे। आजकल भी कोल का, बर्निंग ऑफ कोल का बहुत ज़्यादा यूज़ कहाँ पर होता है, थर्मल पावर स्टेशन है, वहाँ पर इस हीट एनर्जी, पहले तो इस केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेते हैं वो लोग, है ना, कुछ और केमिकल्स के थ्रू। तो थर्मल पावर स्टेशन में भी कोल का यूज़ किया जा रहा है। थर्ड है स्विच ऑन इलेक्ट्रिक हीटर, जब हमारे घर में इलेक्ट्रिक हीटर लगा रहता है और विंटर का सीज़न रहता है, तो इलेक्ट्रिक हीटर क्यों यूज़ करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम जो है हीट एनर्जी में चेंज कर देते हैं, है ना। अब चेंज मतलब सिर्फ ओनली वी आर कन्वर्टिंग द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने मैकेनिकल एनर्जी को हैंड्स रब करके हीट एनर्जी में कर दिया, यहाँ पर हमने केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कर दिया, यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक हीटर को ऑन किया, तो विंटर सीजन में वो हमारे रूम को गर्म क्यों कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को वो किस में चेंज कर देता है, हीट में चेंज कर देता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर दिया। इस तरीके से हम बहुत वेरियस टाइप की एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर सकते हैं क्या, और इसका उल्टा भी हो सकता है कि हीट एनर्जी को हम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे बर्निंग ऑफ पेट्रोल डीजल, है ना, हमारी कार के अंदर पेट्रोल है, पेट्रोल क्या करता है,
पेट्रोल जब अंदर बर्न होता है तो वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उस हीट एनर्जी से, यहाँ पर हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बनती है, तभी तो हमारी गाड़ी का इंजन काम करता है और वो गाड़ी हमारी आगे चलती है और कितनी स्पीड में चलती है। तो बर्निंग ऑफ पेट्रोल हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है उसमें मैकेनिकल एनर्जी में, है ना। तो यहाँ पर हम हीट एनर्जी को अदर फॉर्म यानी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए होंगे कि एनर्जी का खेल कितना इस पूरे वर्ल्ड को घेरे हुए है। एक तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से कण कण में भगवान है, उसी तरह कण कण में एनर्जी है, है ना। पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार एनर्जी से बना हुआ है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर साइंस की भाषा में देखें तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी हमारे वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसको एनर्जी बोला जाता है। बोलते ना कि मैं थक गया हूँ, मेरे में एनर्जी खत्म हो गई, तो एक्चुअली उनकी वर्क करने की कैपेसिटी खत्म हो गई। तो किसी भी चीज की हो, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होती है? काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है। अब हमारे घर में हीट एनर्जी बहुत जगह यूज हो रही है, वी आर यूजिंग हीट एनर्जी इन आवर होम, लाइक कुकिंग फूड, खाना पका रहे हैं, हीट एनर्जी का यूज हो रहा है, चाहे इंडक्शन हो, है ना, गैस स्टोव हो, चूल्हा जलाते हैं, वट एवर। सो हीट एनर्जी का यूज करके ही खाना पकता है, कुकिंग फूड, आयरनिंग क्लोथ्स, जब हम कपड़े प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं, तो वहां पर भी वो आयरन गर्म हो रही, हीट एनर्जी का यूज हो रहा है ताकि हम कपड़े अच्छे से पहन सके, तो आयरनिंग क्लोथ्स के लिए हीट एनर्जी का, और हीटिंग वाटर, पानी गर्म करने के लिए भी हीट एनर्जी का यूज किया जा रहा है। सो इस तरीके से हमारे घर में काफी तरीके से हम हीट एनर्जी का यूज करते हैं, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही है, कल हम हॉट एंड कोल्ड के बीच में देखेंगे कि हॉट एंड कोल्ड का पता कैसे लगाते हैं, जब पता नहीं लगा पाते तो टेम्परेचर के थ्रू पता लगाते हैं, है ना, तो टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं कल देखेंगे। ओके, बाय।